वैसे ये वीडियो बनाना जरूरी नहीं था, बट ये कि आप लोगों का कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे तो उसका रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं इसकी कैटेगरी बता रहा हूँ। अगर आप कुकिंग चैनल की कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कुकिंग चैनल की कैटेगरी बताने के लिए हमें बाइटू स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा, तो मैं बाइटू स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से स्किप करता हूँ और बाइटू स्टूडियो ओपन करता हूँ। ये मैंने बाइटू स्टूडियो ओपन कर लिया है, तो मैं किसी भी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ मोर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कई सारी कैटेगरी आ गई हैं। जिस तरह का आपका वीडियो हो उस तरह की कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को बताना है कुकिंग चैनल की कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर कुकिंग चैनल के लिए ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है कि आप अपने कुकिंग चैनल में प्रॉपर वही वाली कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कॉमेडी में कॉमेडी कैटेगरी लिखी रहती है तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिल्म के बारे में बता रहे हैं तो उसमें फिल्म एनिमेशन पर क्लिक कर सकते हैं। गेमिंग है तो गेमिंग पर क्लिक कर सकते हैं। कुकिंग का ऐसा कोई ऐसी कैटेगरी नहीं होती कि आप उस पर सेलेक्ट करें। उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं आप पीपल एंड ब्लॉग्स। कुकिंग चैनल के लिए पीपल एंड ब्लॉग्स बेस्ट कैटेगरी होती है।